अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबकी। देखो, आज के सेशन में हम करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड ग्रामर रूल्स। टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग इन रूल्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला रूल, ये रूल बहुत सिंपल है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है, फिर भी एग्जाम में जाके मिस्टेक हो जाती है। देखो, जब भी हम नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हैं, नाउन प्यूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब की अगर बात की जाए तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने से वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है। जैसे कार है, कार के साथ एस लगाया, क्या बना? कार्स, प्लूरल। लेकिन जैसे यहाँ पे है रिड्यूस, अब देखो फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यू आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर, और वर्ब की प्लेसमेंट हमेशा ही किसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये वर्ब कैसी है, ये वर्ब प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाना होगा एस लगाकर, ठीक है। तो एरर है आपका पार्ट 3 में, ध्यान रखना इस रूल को। अगर हम नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है, और वर्ब के साथ अगर एस या ईएस लगाया जाए तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक श्योर लास्ट में आपका बेल आइकन ऐसा अपीयर हो, तभी आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल, देखो सब्जेक्ट 1 अगर जुड़ा है प्रेपोजिशन से सब्जेक्ट 2 के साथ, तो जो वर्ब की प्लेसमेंट है वो हमेशा ही सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होगी, इस बात को आप ध्यान रखें, क्लियर है। बहुत सारे क्वेश्चन इस एक रूल से बनते हैं, अगर सब्जेक्ट 1 प्रेपोजिशन से जुड़ा है सब्जेक्ट 2 के साथ, तो जो वर्ब की प्लेसमेंट है वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होगी। अब देखो, रटने की कोई नीड नहीं है, इसी में मैं आपको एक और रूल बताती हूँ। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ही कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस, ध्यान रखें इस चीज को। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो देखो वर्ब आएगी तो सबसे पहले यहीं पे, लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस है। अब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं बन सकता, इसीलिए वर्ब यहाँ जाके इस सब्जेक्ट को लेगी, ठीक है। तो देखो, द विलेज विद ऑल इट्स हाउसेस वर फ्लडेड बाय द रिवर। अब देखो ये क्या है, प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे इसको देख के प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है, हमारा मेन सब्जेक्ट है द विलेज, अगर विलेज हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ होना चाहिए वर, नहीं होगा, होगा वॉज। एरर है पार्ट 2 में, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। देखो अब चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो कि ईच, आइदर, नाइदर, इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। देखो ईच वगैरह के साथ यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ये होगा प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। चाहे तो आप इस रूल को ऐसे क्रैम कर लीजिए, या फिर सब्जेक्ट 1 ये ऑफ है प्रेपोजिशन, जुड़ा है सब्जेक्ट 2 के साथ, तो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही तो आएगी। तो ईच अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हैव नहीं होगा, होगा हैज। तो एरर है आपके पार्ट 1 में, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट रूल देखो, थर्ड जो रूल है वो कहता है सब्जेक्ट 1 अगर जुड़ा है कंजंक्शन से सब्जेक्ट 2 के साथ, तो जो वर्ब की प्लेसमेंट है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि सब्जेक्ट 2 के साथ। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, वर्ब जाएगी यहीं पे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको अपना सब्जेक्ट मिल जाएगा, बात खत्म। प्रेपोजिशन वाले केस में तो उसको आगे इसीलिए जाना पड़ रहा था क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्लियर है। ये दोनों रूल्स मैंने साथ साथ लिख दिए हैं, बिल्कुल आप इनको अच्छे से ध्यान कर लेना, ठीक है। सब्जेक्ट 1 अगर प्रेपोजिशन से जुड़ा है सब्जेक्ट 2 के साथ, तो वर्ब सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, लेकिन सब्जेक्ट 1 अगर कंजंक्शन से जुड़ा है सब्जेक्ट 2 के साथ, तो जो वर्ब है हमारी उसकी प्लेसमेंट होगी नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। ये देखिए क्वेश्चन, आइदर अविका और निकुंज आर गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन। अब देखो आर निकुंज है, निकुंज तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आइदर और आपकी पेयर कंजंक्शन होती है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए इज। एरर है आपके पार्ट 4 में, ठीक है। सेम क्वेश्चन, नाइदर नोर आपकी पेयर कंजंक्शन होती है,
तो माय सिस्टर्स, सिस्टर्स कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। टेंस आप सेम रखेंगे, तो एरर है पार्ट थ्री में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी रूल्स, 10 के 10 रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, इन्हीं सभी एडवर्ब, ये नेगेटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं। नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, इन सब के साथ जो पेयर बनता है उसका बनता है व्हेन। ठीक है, लेकिन नो सूनर के साथ हम जो पेयर यूज करते हैं उसको, वो वर्ड यूज होता है देन। क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज को। Hardly, scarcely, rarely, barely के साथ when और no sooner के साथ then। अब जैसे first question है, no sooner did he see the tiger when he ran as fast as he could। तो देखो, no sooner के साथ आपको पता है word क्या आना चाहिए, then। तो यहाँ पे when नहीं होगा, होगा then। THAN error है आपका part three में। अब देखो, cram करने की बिल्कुल भी need नहीं। आप एक चीज को समझो, word है आपके पास soon। सून के साथ ER लगा के आपने इसकी बनाई कंपैरेटिव डिग्री। अब आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो कंपैरेटिव वर्ड होना ही चाहिए, बात खत्म। क्लियर हुई ये बात? ध्यान से इस रूल को पढ़ लेना। अब यहीं से, इसी सेंटेंस से एक और रूल, एज फास्ट एज ही कुड। ध्यान रखना, एज एज या फिर सो एज, जब भी ये बात होगी इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगी। अगर यहां से एरर बनता तो यहां पे वो आपको फास्टर लिख के दे देता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल। अब बात करते हैं इन्वर्जन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नेगेटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब, बाकी फिर आगे का सेंटेंस। नॉर्मल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन ध्यान दो, अगर एडवर्ब से स्टार्टिंग हो रही है सेंटेंस की, तो एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब आपका वर्ब को क्वालिफाई करता है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट बनने की कैपेसिटी नाउन के पास होती है। तो नाउन को तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करेगा। बस यही रीजन है कि हमको इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए वर्ब देना पड़ेगा। ये होता है इन्वर्जन, ध्यान रखिए। स्कार्सली शी हैड हर्ड द न्यूज व्हेन शी फेंटेड। अब पेयर कंजंक्शन, ठीक है, या तो पेयर कंजंक्शन का एरर होगा या इन्वर्जन का एरर। इन तरह के सेंटेंसेस में ये दो ही एरर निकल के आते हैं। अगर पेयर कंजंक्शन सही है तो 100% एरर जो होने वाला है वो यही होने वाला है, स्कार्सली शी हैड नहीं, स्कार्सली हैड शी। तो एरर है आपका पार्ट फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपकी एरर है। सेकेंड सेंटेंस बताओ, नो सूनर, नो सूनर के साथ सबसे पहले चेक करो पेयर कंजंक्शन। अगर पेयर कंजंक्शन सही है तो आपका एरर होने वाला है इन्वर्जन का। No sooner had he left the house than there was a phone call for him. Sixth rule की अगर बात की जाए तो देखो, present perfect continuous plus since plus simple past, ये rule होता है। present perfect continuous का क्या मतलब है? subject plus has या फिर have, has आपका आएगा singular subject के साथ, have आएगा plural subject के साथ, plus been plus V1 plus ing प्लस या तो सिंस या तो फॉर और उसके बाद टाइम वर्ड। अब देखो, सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है ये भी आपको बताया जाएगा। एक बार के लिए समझे, यहाँ पर सिंस है तो इसके बाद कौन सा टेंस होना चाहिए? सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, ये सेंटेंस आपके पास गिवन है, शी रेड दैट नॉवेल्स सिंस शी गॉट इट इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है सिंस के बाद, तो सबसे पहले मतलब पहले यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का? तो आंसर क्या होगा? शी हैज बीन रीडिंग दैट नॉवेल सिंस शी गॉट इट इन द मॉर्निंग। ठीक है, सेवेंथ रूल पे आते हैं, सिंस और फॉर। अब कहां आप सिंस का यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, कहां आप फॉर का यूज करेंगे? सिंस की बात की जाएगी तो सिंस का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमेशा ही स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। अब आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है प्रीवियस रूल को भी, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। सिंपल पास्ट का भी यूज हम किसके लिए करते हैं? स्पेसिफिक पास्ट के लिए करते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं, तो सेम चीज है। फॉर की अगर बात की जाए, फॉर का मतलब है ड्यूरेशन, हमेशा ब्रैकेट बन रही होगी। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम, अब स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो कैलेंडर,
जो भी आपका जो भी कैलेंडर की डेट्स होंगी वो आप इसमें से मतलब यहाँ उसके साथ आप सिंस का यूज करोगे। अब इस क्वेश्चन की बात की जाए, वेयर हैव यू बीन फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम। अब आपको पता है कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, एक लंबे समय के लिए की बात हो रही है, ड्यूरेशन है, ये तो क्लियर नहीं है कि कितना समय तो होगा। फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एरर है पार्ट टू में। इस क्वेश्चन की बात की जाए, आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूं या रहा हूं, तो होगा आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। क्लियर हुआ? चलो एट्थ देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे अब की बारी, और उसमें भी सबसे पहला जो कंडीशनल होता है उसी से। देखो इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का क्या मतलब है, सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब आपको ये पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर इफ कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट है तो रिजल्ट जो होगा वो किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। सिंपल फ्यूचर का क्या मतलब है, विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो ये क्वेश्चन को देखो, इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज इट इम्प्रूव योर इंग्लिश, नहीं इट विल इम्प्रूव, सिंपल था। इफ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे होते आई विल परचेज दिस हाउस, मैं ये घर खरीद लेता। थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट विल प्रूव टू बी गुड इन दी लॉन्ग रन। नाइन्थ रूल देखो, अगर 2 एक्शन पास्ट में हो रहे हैं तो फर्स्ट एक्शन हमेशा ही किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है, सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेकेंड एक्शन होगा आपका सिंपल पास्ट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखना, एक्शन दोनों ही पास्ट में हो रहे हैं, तो पास्ट जो सेकेंड एक्शन है वो पास्ट है, लेकिन फर्स्ट एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट है, यानी मोर पास्ट हुआ, इसीलिए इसको हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट में, इसको सिंपल पास्ट में। अब ये क्वेश्चन देखो, व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्ट। अब यहाँ पे आपको पता है फिल्म पहले स्टार्ट हो चुकी है, हम बाद में पहुंचे हैं, तो ये काम पहले हुआ है ना, ये किस में आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। अब हैड है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। क्लियर हुआ? 10th रूल को समझना, क्वेश्चन टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी के सभी रूल्स इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स होते हैं, क्या क्या, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। ये तो हुआ पहला रूल। दूसरा रूल ये रहता है कि टेंस चेंज नहीं होता है भाई। और थर्ड रूल रहता है कि हम प्रोनाउंस का ही यूज करते हैं। और फोर्थ रूल रहता है कि हमेशा कॉन्ट्रेक्शन यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यू वॉन्ट टेल द सीक्रेट। अब सेंटेंस आपका ऑलरेडी नेगेटिव है तो विल नॉट टेल, यही है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज यूज करके आपको बनाना है क्वेश्चन टैग, तो होगा विल यू। क्लियर हुआ? अब ये जो 2 क्वेश्चंस है आपके सामने, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। ये दोनों ही क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, मतलब रूल्स आपको करा दिए, बस रूल्स को फॉलो करना है। क्लियर है? अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी एमटीएस 2020, आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स, आरआरबी ग्रुप डी एस्पिरेंट्स और बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जो 2021 के लिए एलिजिबल है, मेरा आप सभी को एक जेन्युइन सजेशन है कि आप सभी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, एसएससी एग्जाम्स चूज करिए। एसएससी एग्जाम्स के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर आप ये 24 मंथ्स वाला प्लान चूज करिए। मैक्सिमम बच्चे इस समय 24 महीने का ही प्लान चूज कर रहे हैं। वैलिडिटी प्लान चूज करने के बाद आपको यहां पर जहां आपको दिख रहा है ना हैव अ रेफरल कोड, यहां पर आपको लिखना है PMYT। जैसे ही आप PMYT लिख के अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं PMYT अप्लाई करते ही 24 महीने का जो प्लान है वो आपको 5832 का पड़ जाता है। रेफरल कोड PMYT अप्लाई करना है आपको। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको जो फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं वो भी आप रिडीम कर लेना। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट कोड है PMYT, ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, PMYT अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, PMYT अप्लाई करना पूरे अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो।